ज्ञान निकेतन स्टेशन केयर की ओर से हिंदी लेकर आया हूँ। आज वर्ग द्वितीय में पाठ चार से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। इसमें आज का शीर्षक है मेरी प्यारी माँ। हम सभी जानते हैं माँ का महत्व तो हमारे जीवन में कितना है। एक माँ जो अपने बच्चों को लाड़ प्यार देती हुई उसे हर मुसीबत से लड़ने के लिए उत्प्रेरित करती है, उसे सिखाती है कि मुसीबत से बच्चे घबराएं नहीं और मुसीबत का डटकर मुकाबला करें और उसको किनारे करते हुए अपने राह आगे बनाएं। साथ ही यह भी माँ सिखलाती है कि वो मुसीबत से डर करके पीछे न हटें बल्कि आगे बढ़ते रहें, किसी भी मुसीबत से डरे नहीं, उसका सामना करें और जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त करें। जीवन में लगातार सफल रहें, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, यही माँ सीख देती है। इसमें कविता है मेरी, जिसकी आंचल की छाया में बचपन मेरा बीता है, जिसकी ऊनी पकड़ कर मैंने चलना सीखा है। जिसकी आंचल की छाया में बचपन बीता है, जिसकी उंगली को पकड़ करके मैंने चलना सीखा है। जिसने शिक्षा दी मुझको हर बुरे काम से बचने की, जिसने दिशा दिखाई मुझको सही मार्ग पर चलने की। जिसने मुझको शिक्षा दी हर बुरे काम से हमें बचने की और जिसने उंगली पकड़ कर हमें नई राह पर चलने की के लिए शिक्षा दी, दिशा दिखाई जिससे हम सही मार्ग पर चले। तो हमारी माँ इतनी अच्छी माँ, इतनी प्यारी माँ जो हमें हर मुसीबत में साथ देने देती है, हमें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करती है और हमारे जीवन में हमेशा मेरे उत्थान की कामना करती है। मेरे जीवन में उसका इतना योगदान है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। मैं भी धन्य हो गया ऐसी प्यारी माँ को पाकर। इसलिए माँ का हमारे जीवन में कितना महत्व है जितना भी हम कहें कम होगा। माँ का महत्व जीवन में ऐसा ही है और माँ से प्यारी और कोई होती नहीं। वैसे भी कहा गया है इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ी कोई नहीं। इस संसार में यदि कोई बड़ी चीज है तो वह है माता। माता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और आज हम यही पाठ आपको बता रहे हैं मेरी प्यारी माँ। माँ जिसके सामने कभी कभी भगवान भी छोटे पड़ जाते हैं। माँ अपने पुत्र के लिए हर कष्ट सहती है लेकिन पुत्र पर आने वाली हर विपत्ति को वह अपने ऊपर सह लेती है लेकिन पुत्र पर आंच नहीं आने देती। ऐसी प्यारी माँ को पाकर मैं धन्य हो गया। आप भी माँ का स्नेह पाएंगे और उन्हें आदर देंगे, उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद।